कई लोगों ने हमारे वीडियो में कमेंट किया कि पहले गाड़ी में कईयों में नंबर प्लेट दिख रहा होगा, बाद में ब्रोटोमोटिव लगा था, तो लोगों ने बोला MH से BR कैसे हो गया। भाई जिन्होंने बोला BR कैसे हो गया वो पूरा तो पढ़ लो, वो कोई स्टेट का नंबर प्लेट नहीं है, वो हमारा कंपनी का नाम है। अभी हमने पॉलिसी ऐसी बनाई है ना कि जो गाड़ी भी वर्कशॉप में आती है ना उसके नंबर प्लेट्स हटा देंगे और अपने वर्कशॉप के नंबर प्लेट्स लगा के फिर वीडियोज में दिखाएंगे। पुराने कई वीडियोज ऐसे थे जहां पर पुराने नंबर प्लेट दिख जाते थे, धीरे धीरे वो भी ट्रांजिशन हो जाएगा, बट वो बिहार नहीं है, वो ब्रोटोमोटिव है। अभी के लिए अपन ने एक प्लान रखा है कि इसके अंदर हम एक छोटा सा होल करेंगे, जो कि मुझे ऑनलाइन फोरम पे मिला है और जो अभी एक्सपर्ट आए थे वो कई सालों का उनका तजुर्बा है विंटेज कार रिस्टोर करने में, तो उन्होंने भी मुझे यही सुझाव दिया है कि इसमें एक ब्रीथ करने के लिए एक छोटा सा होल कर दो, जिससे कि टैंक में जब वैक्यूम जनरेट होता है यहाँ से हवा अंदर ले ले। और 99.9% मैं श्योर हूँ कि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये रहेगा एक जुगाड़, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, टेम्पररी सोल्यूशन है, उसका परमानेंट सोल्यूशन हमको ढूंढ के ही निकालना है। एक बार ये चलने लग जाए तो मैं किसी एक्सपर्ट के पास इसको लेके जा सकता हूँ। हमारी वर्कशॉप में पहली क्रेटा आई है नई वाली, वो भी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के लिए। काम पूरा हो गया है इस पे, हमने गरवारे का सेल्फ हीलिंग PPF लगाया है, पर मेरे को टाइम ही नहीं मिला गाड़ी बिल्कुल देखने का, एक बार अच्छे से चेक भी करने का। हो गया गाड़ी रेडी? हाँ। इन्होंने इंटीरियर पूरा ग्रे कर दिया, पहले ब्लैक आता था ना, ग्रे कलर भी अच्छा लग रहा है यार। पहले क्या था ना, मुझे क्रेटा ज्यादा पसंद थी, फिर सेल्टोस लॉन्च हो गई, फिर जब सेल्टोस आ गई तो मुझे सेल्टोस ज्यादा अच्छी लगने लगी। अभी भी मुझे सेल्टोस ही ज्यादा अच्छी लगती है जब से फेसलिफ्ट आ गई है, पर मार्केट में लोगों को शायद क्रेटा ज्यादा पसंद है। चाबी देना कोई? चाबी? ये चाबी नहीं चाहिए ना महबूब, चाबी देना इसकी। तुम्हारे लिए छोटी होगी ना, तुम देख के ही बोल दो। नहीं यार, क्रेटा अच्छी है गाड़ी, बट आई स्टिल प्रेफर्ड लास्ट वाले लुक्स यार। जब लास्ट वाली लॉन्च हुई थी तो सब बोल रहे थे कि आई प्रेफर्ड उससे लास्ट वाली, और उससे ज्यादा मेरे को उससे लास्ट वाली पसंद थी, तो वो ज्यादा बड़ी और बल्की लगती थी। ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा फील आता है, कॉम्पैक्ट कर दी है बहुत गाड़ियां। बट मुझे ये कॉन्सेप्ट पता अच्छा लगता है कानू भैया, ये सारी गाड़ियों पे इन्होंने जो चेंजेस किए ना, जनरेशन चेंज करे जा सकते हैं पुराने गाड़ियों के। मैं सोनेट का भी आज देख रहा था, टेल लाइट का जो शेप है लास्ट वाली का ही है, तो बंपर एंड टेल लाइट डिक्की चेंज करके आप नई वाली सोनेट बना सकते हो। रे अटक, अच्छा ओहो, पढ़ोगे नहीं जब तक तो एग्री नहीं करेगा पूरा। यार कानू भैया, पूरा सिंगल स्क्रीन कर दिया इन्होंने। नहीं यार, बीच में पार्टीशन है, पर पहले से सुंदर कर दिया यार थोड़ा सा, मतलब ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए, और सेल्टोस और इसमें भी काफी सिमिलर है, पर अच्छा लग रहा है। सनरूफ तो इसकी है ही फेमस, ऑलमोस्ट सेम ही गाड़ी है, इतना कुछ फर्क नहीं है। डैशबोर्ड थोड़ा सा चेंज कर दिया, ग्रे कलर में लोगों का कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि ग्रे कलर यूजुअली थोड़ा चीप लगता है, मतलब ब्लैक और बेज और टैन ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट इसमें जो ग्रे है ना वो इतना बुरा नहीं लग रहा। दिस इज नॉट द नॉर्मल ग्रे पहले मारुति की पुरानी गाड़ियों में देखते थे, टोन थोड़ा सा अलग है, और दूसरा ये जो लाइट ग्रे है ना इसको बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये। मेरे को इसका लॉजिक नहीं समझा, यहाँ इन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि एसी वेंट के लिए जगह बनाई थी, फिर एसी वेंट नीचे शिफ्ट कर दिया जब यहाँ पर आ रहा था, तो ऊपर यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स है। लॉजिक तो वही बनता है क्योंकि वहां सामने एक एसी वेंट है, ऐसा कोई क्यों डिजाइन देगा। लुक्स वाइज जेन्युइनली मुझे लास्ट वाला जनरेशन इससे बेटर लगा, राघव को उससे पहले वाला पसंद है, बट मुझे वो जनरेशन अच्छा लगता है। पर ये ऐसी चीजें होती है ना कि धीरे धीरे ये ग्रोज ऑन टू यू, तो टाइम के साथ शायद हो सकता है मैं इसके लिए भी वही बोलूं। टच स्क्रीन से तंग आ गया हूं मैं, आधो का तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता, मुझे तो पर्सनली बटन ज्यादा पसंद है। और क्रेटा का फैन बेस एक्चुअली बहुत अलग है, आई लाइक दिस, नॉट टू बैड। थोड़ी छोटी है? नहीं ठीक है, कंफर्टेबल। मुझे i20 ज्यादा पसंद है, वो गाड़ी पता है हुंडई का डिजाइन लगता ही नहीं है, वो गाड़ी स्कॉडा का डिजाइन लगता है। अगर तुम स्कॉडा का लोगो डाल दोगे ना, उसकी एजेस और सारी धार बॉडी लाइंस इतनी शार्प है ना कि वो कोई बोलेगा नहीं कि हुंडई का डिजाइन है, तो बहुत सुंदर लगती है मुझे। एनलाइन थंडर ब्लू कलर में विद रेड एक्सेंट्स, इतनी प्यारी लगती है। मैं बीच में सोचा था वो गाड़ी लेने का, बट वो भी 14 लाख रुपए के आसपास चली गई है। तो इसका PPF हमने कंप्लीट कर दिया, अभी बस 15-20 मिनट में इसकी डिलीवरी होने वाली है। यूजुअली मैं क्या करता हूं, कोई भी गाड़ी रेडी होती है तो हम वो गाड़ी अच्छे से चेक कर लेते हैं, बाकी हम नहीं होते तो वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस इस तरीके के बनाए हुए कि गणेश देख लेता है, तो
कोई ना कोई गाड़ी अच्छे से चेक कर लेता है। ये गाड़ी नई आई है अभी और फर्स्ट आई है वर्कशॉप में, तो मैंने सोचा एक बार अच्छे से देख लूं कम से कम। और मैंने एक दो रील देखी, लोगों ने बोला हुआ है कि क्रेटा को डिफेंडर बना देते हैं, मतलब वो लुक्स काफी सिमिलर सॉर्ट ऑफ वैसा डिजाइन में लिया हुआ है ना, बॉक्सी बॉक्सी यहाँ से पूरा स्ट्रेट नीचे गया हुआ है, अच्छी तो लग रही है वैसे। सर मुझे पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूं, कान भाई ने बोला है कि बम्पर ब्लैक कर दो कसम से। वो सेकंड ब्लैक मतलब नॉन पेंटेड था पहले तो, हां नॉन पेंटेड वैसे ही। अगर आपको डेड मैट चाहिए तो फिर 100% मैट कर देंगे, अगर आपको थोड़ा उसमें शाइनी चाहिए और थोड़ा मैट चाहिए तो सेट में चलो, डेड मैट बेटर रहेगा। डेड मैट बेटर रहेगा, मेरे पॉकेट कलर है, डेड मैट करेंगे। सर मेरे को बिलीव नहीं हो रहा यार, मैं मेरे रिएक्शन क्या थे पता है तुमको, जैसे उन्होंने बोला तू करवा ले, तुम मन बदल जाए उससे पहले कर देना प्लीज प्लीज। पूरा नॉस्टैल्जिया रिक्रिएट होने वाला है अभी, वो जो लुक दिख के आएगा ना बहुत मजा आएगा। क्या हुआ है गणेश सर, मैं अभी पूरा चेक करने दो रुको दो मिनट। ये ट्रिपल एक्सएल हमारे ऑर्डर में था, ट्रिपल एक्सएल आ गया, मीडियम 55 ऑर्डर में था, मीडियम आया नहीं। ऑर्डर किया था MLXL XXL, उन्होंने भेजा है LXL XXL और ट्रिपल एक्सएल। वो बोल रहे हैं कि जो आपका एम था वो हमारा एल है, जो हमारा एल है उनका एक्सएल है, ऐसे कुछ है। देखते हैं रिपोर्ट, जबकि फिर पीओ में लिख के देना चाहिए ना कि हमारा एल है, मैं ये 42 साइज भेज रहा हूँ, उसमें लिख दिया एम भेज रहा हूँ। अरे तो भेजा ही नहीं, इसको पहले एल आता था, अभी एक्सएल फिट बैठा है, तो जो भी उसका मार्किंग वगैरह होता है, एक तो मार्किंग गलत हुआ है, नहीं तो उनका साइज चार्ट का साइज उन्होंने अपडेट कर दिया है सीधा। पहले जो 40 नंबर मीडियम था, 38 एकदम स्मॉल था, अभी उनका 40 जो है वो स्मॉल कर दिया है, और जो मैं कंफ्यूज हो गया है, मतलब लेबलिंग गलत हुआ है बेसिकली, गलत हुआ है जो एम है एक एक साइज से अपग्रेड, जो जिसपे एल लिखा है वो बेसिकली एम है, एम है जिसपे एक्सएल लिखा है वो बेसिकली एल है। अच्छा मतलब ऑर्डर पूरी गलत तो नहीं हुई है, मतलब पूरी गलत नहीं हुई है, अभी बस एक बार सबसे बड़ा ट्रिपल एक्सल उसको बिठा के देखना है। परफेक्ट परफेक्ट बैठ रहा है, 42 है। अरे मतलब हर्षल मोटा ही है तू, अभी भी तुझे पता ही नहीं चला ना, ऐसा नहीं रहना चाहिए। मेरा शोल्डर ज्यादा ऊपर है, बॉडी है ना उसका, बॉडी है ना दूना, तेरे को क्या समझेगा, बॉडी बॉडी है उसका, तू देख टी-शर्ट एकदम प्लेन रहना, तू देख चेस्ट है। आयुष दिन आके परेशान हो रहा था, बोलता देखो ना फोटो दिखाता है, फोटो बेचता है, 10-10 इंच के मच्छर घूम रहे हैं। मैं बोला तो पार्टी कर उनके साथ बैठ के, उनको मार के ऐसे साथ में सजा के फोटो खींच के मैं दिखाता देखो ना मच्छर हो रहे हैं। हमने फटाफट अभी पेस्ट कंट्रोल थोड़े टाइम से ड्यू था, हमने फटाफट बुलाया उन्हें, पेस्ट कंट्रोल करवाते, जितने भी कीड़े मकौड़े मच्छर वगैरह जो इधर उधर होंगे, सामान वगैरह रखने की वजह से भी होता है, मौसम की वजह से भी होता है, जैसे थोड़ा सा ठंडा मौसम आता है कुछ होता है तो गर्म जगहों पे ऐसे जो है वो मुझे पता नहीं, हो सकता है गर्म मौसम से ठंडे में होता है, ठंडे से गर्म मुझे नहीं पता, बट मौसम के बदलने से भी ये सारे जो है पनपने लग जाते हैं। तो एक बार अच्छा है अभी हो जाएगा, तो एक लिक्विड वाला है और एक फॉग वाला है, अरे पेंटर लोग फोटो निकाल के भेज रहे। अभी क्या है, नकली तो नहीं? नहीं नहीं, इसलिए मच्छर हो रहे थे यार बहुत, तो ये पीछे एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का काम चालू है ना पानी की टंकी का, तो उस वजह से पानी बहुत इकट्ठा हुआ है, मच्छर उस वजह से भी बहुत ज्यादा हो रहे होंगे मल्टीप्लाई। अच्छा है ना हमारे यहाँ एटलीस्ट हो जाएगा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, डेंगू वेंगी हो गया तो यार बहुत, आदमी 1-1.5 महीने के लिए गया फिर है ना। रामसे की पिक्चर की शूटिंग चल रही है मालूम है, वो थी ना वो क्या खूनी हवेली पुराना खंडर कुछ तो ऐसा। ओ, मैं ज़्यादा। नमस्कार,
सामान ये देखिए, ये देखो फूल भी आ गया। अरे धुआं में घूमना बड़ा मुश्किल है। चलो नीचे यहाँ मत खड़े हो, चलो। उनके पैर पे मारे, मेरे पैर पे नहीं मारे। पैर पे क्यों मारने का देख? खाने का नहीं, वो हाथ उड़ी रहा हूँ। क्या कर रहा है? मूवी इफेक्ट का फील ले रहा है। अबे ठीक है, खतरनाक।